हे गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। आई नो आप भी एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर बनने वाले हैं फ्यूचर में, एंड इसीलिए आपने इस वाली वीडियो पे क्लिक किया है। वेल, अगर आपको अच्छी फोटोग्राफी करनी है और आपको अच्छा एक फोटोग्राफर बनना है तो आपके पास अच्छे लेंसेज होना बहुत जरूरी है। अब आप जितना मर्जी बोलो किट लेंस से अच्छी फोटोज तो आ जाती है, लेकिन अगर आपको नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करनी है तो आपको लेंसेज तो बाय करने ही पड़ेंगे। एंड ऐसे में बात ये आती है कि नेक्स्ट लेंस कौन सा लिया जाए। आपने कैमरा तो खरीद लिया है बट लेंसेज में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा वही आपको बताऊंगा आज की इस वाली वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं ये मान लेता हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होगा कैमरे के बारे में, आपको शटर स्पीड, आईएसओ एंड अपर्चर के बारे में पहले ही पता होगा, क्योंकि हम इन सारे टर्म्स का यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड अगर आपको नहीं पता तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर आपको मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है। ओके, तो सबसे पहले अगर बात आती है प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ आती है कि बैकग्राउंड ब्लर। फोटोज़ में बैकग्राउंड ब्लर देखे हमें लगता है कि फोटो बहुत प्रोफेशनल है, एंड बैकग्राउंड ब्लर अचीव किया जाता है अपर्चर से। अपर्चर बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे आप फोटोज़ में बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, फोटोज़ को शार्प कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब हर फोटो के हिसाब से ना अपर्चर की वैल्यूज़ मैटर करती है क्या आपको रखनी है। जैसे अगर आप पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हैं तो आपको अपर्चर बिल्कुल मिनिमम रखना होता है ताकि बैकग्राउंड ब्लर मिले, सेपरेशन मिले, एंड जो डिस्ट्रैक्शन है वो सारी गायब हो जाए, एंड फोकस हमारा जस्ट अपने फेस पर रहे, जो पोर्ट्रेट है उसके ऊपर रहे। लेकिन अगर आप लैंडस्केप शूट कर रहे हो, मतलब कोई सीनरीज वगैरह शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको चाहिए कि आपकी फोटो मैक्स टू मैक्स शार्प आए एंड कोई भी चीज़ ब्लर ना रहे, आपको बैकग्राउंड ब्लर वहाँ पे नहीं चाहिए होता है। तो वहाँ पे आप एक हाई अपर्चर रखोगे, जैसे 17-18, मतलब अपर्चर की वैल्यू जो एफ होती है वो आप 22 तक रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अलग जगह पे अलग अपर्चर यूज़ करना होता है। अगर आप इंडोर पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो लाइटिंग्स के साथ, मतलब फ्लैश वगैरह के स्टूडियो वाला शूट, तो वहाँ पे आपको अपर्चर एक स्वीट स्पॉट पर रखना होता है, जैसे कि 7 या 8, जहाँ पे आपकी फोटो बिल्कुल मैक्सिमम शार्प आती है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ जनरली एक लेंस की जो आपके पोर्ट्रेट्स के लिए हर जगह काम आ जाएगा, एंड वो एक ही लेंस है, एंड दैट इज़ कैनन 50mm लेंस, जो कि एक प्राइम लेंस है। इसका अपर्चर 1.8 है। वैसे लेंसेज में ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, काफ़ी कमाल के लेंसेज हैं, लेकिन बजट का लेंस सिर्फ एक ही है, एंड वो है कैनन 50mm प्राइम लेंस। तो चलिए अब आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आपको बता दूँ आपके लिए कौन सा लेंस बेस्ट रहेगा। अगर आप कुछ भी काम करते हैं लेंस से, कैमरा से, तो आपके लिए सबसे पहले तो बेस्ट लेंस यही रहेगा 50mm कैनन का। आपको ये बाय कर ही लेना चाहिए क्योंकि ये आपके वीडियोज़ एंड फोटोज़ में दोनों में काम आएगा, एंड काफ़ी कमाल का लेंस है। मतलब जिसके पास भी कैमरा है उसके पास अगर ये लेंस नहीं है तो मतलब फ़ायदा नहीं है भाई कैमरा रखने का कोई। अब इसको लेने के बाद सेकंड लेंस आपको कौन सा लेना है अपग्रेड अगर आप करना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा आप कैनन 85mm का लेंस ले सकते हैं 1.8 वाला, क्योंकि वो काफ़ी बेस्ट लेंस है, अराउंड 30 के आसपास आता है, 30,000 का। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा महंगा लगे, जैसे मेरे को वो लगा था महंगा, तो मैंने ये लेंस बाय कर लिया था जो कि एक उसका ही अल्टरनेटिव है, 100mm ये योंगनू का, एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 15,000 है। लेकिन काफ़ी कमाल का लेंस है ये भी, मतलब सेम ही लेंस है, बस वो है कि क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है कलर्स वगैरह, लेकिन अगर आप एडिटिंग करते हो आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कलर से, तो ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको वीडियोज़ वगैरह शूट करने, ब्लॉगिंग अगर आप करते हो, तो आपके लिए ये वाले लेंसेज किसी काम के नहीं, जैसे 85 या ये या 50 भी कोई ज़्यादा काम का नहीं है। आपको लेना चाहिए 16mm लेंस, जो कि पूरा वाइड रहता है, आपको पूरा गोप्रो वाला फील देगा। अगर आप व्लॉगिंग करते हैं तो आप ऐसे अगर कैमरा को पकड़ते हैं तो पूरा आपको एरिया दिखेगा वीडियो में, एंड आपको मतलब फील आएगा कि आपके साथ ऑडियंस जा रही है आपके ब्लॉगिंग, पूरी आपको लोकेशन भी दिखेगी एंड आपका सब्जेक्ट दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप वीडियोस के लिए 16mm ले सकते हैं, एंड अगर आप उसके बाद अपग्रेड करना चाहते हो वीडियोस में तो आप 22mm ले सकते हैं या 35mm ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लेंस हैं जो वीडियो के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, फोटोग्राफी के लिए कम यूज़ होते हैं। फोटो के लिए ये मोस्टली बड़ी फोकल लेंस होते हैं, जैसे 85 या 100mm या 135 या 70-200। तो ये कुछ लेंस हैं जो फोटोज़ के लिए यूज़ होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेंस बाय करते हुए आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप जो लेंस बाय कर रहे हैं वो फुल फ्रेम कैमरा में सपोर्ट करता है या फिर जस्ट वो एक क्रॉप सेंसर कैमरा के लिए है। जैसे ये वाला लेंस है, ये 18-55 है, एंड ये जस्ट एक क्रॉप सेंसर लेंस है, ये आपके फुल फ्रेम मतलब 5D वगैरह या 6D कैमरा होते हैं उनमें नहीं चलेगा। एंड इसको आप कैसे पहचानोगे, इस पर एक रेड डॉट लगा हुआ है जो इस लेंस पर नहीं है, वो इस पर दिखाता हूँ आपको। इस पर ये रेड डॉट बना हुआ है, इस रेड डॉट की यही पहचान होती है कि ये फुल फ्रेम कैमरास पे भी चल जाएगा एंड आपका बहुत अच्छा काम करेगा। आप कल के दिन अपग्रेड भी करते हो कैमरा तो आपका ये लेंस वहाँ पे यूज़ आ जाएगा, लेकिन ये लेंस आपको फुल फ्रेम में नहीं यूज़ आएगा। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से देखिए कि अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हैं तो आप फुल फ्रेम लेंस लीजिए ताकि आपके बाद में भी वो काम आ जाए। क्रॉप सेंसर लेंसेज आपको थोड़े से चीप ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें फ्यूचर प्रूफिंग नहीं है क्योंकि वो जस्ट आपके क्रॉप सेंसर कैमराज में ही काम आएंगे। आप जब बाय कर रहे हो तो थोड़ा सा बजट बढ़ा के इस टाइप का लेंस बाय करें जो कि फुल फ्रेम लेंस हो, ताकि आपको बाद में अपग्रेड करने पे कोई दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा ये पूछा था कि यार लेंस हम न्यू बाय करें या सेकंड हैंड बाय करें, क्योंकि सेकंड हैंड बाय करने में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी डील कई बार मिल जाती है, बट लोगों को डाउट रहता है कि यार कहीं लेंस खराब ना हो। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि लेंसेज में कोई दिक्कत नहीं आती, मोस्टली लेंसेज 4-5 साल पुराने भी चल जाते हैं। मेरे पास भी कुछ लेंसेज ऐसे हैं, जैसे ये वाला लेंस 2-2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसको, लेकिन अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेंस में मोस्टली दिक्कत आती नहीं, मोस्टली दिक्कत कैमरा की बॉडी में आती है। लेकिन हाँ, अगर आप बाय कर रहे हैं एक पुराना लेंस, मतलब यूज्ड लेंस,
तो आपको चेक करने के लिए जस्ट इसकी ये फोकस रिंग को चेक करना है। इसको आप पूरा घुमा के देखिए, ये आपकी अगर कहीं पे भी अटक रही है या थोड़ा सा आपको लग रही है, लूज लग रही है, तो मतलब इसकी फोकसिंग में दिक्कत है। एंड दूसरा क्या तरीका है कि आप अपने लेंस को कैमरा पे लगाइए एंड इसका अपर्चर पूरा F22 तक ले जाइए एंड हर एक पॉइंट पे इसकी फोटो क्लिक करके देखिए एंड ये चेक करिए कि हर एक अपर्चर वैल्यू पे ये लेंस काम करता है या नहीं। मोस्टली लेंसेज की अपर्चर वाली रिंग खराब हो जाती है, जो अंदर ब्लेड्स लगी होती है अपर्चर की, वो खराब हो जाती है, इसलिए दिक्कत आती है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। आप चाहते हो इसके ये पोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ज़्यादा गंदे तो नहीं है एंड ये जो इसकी पिंस है ये टूटी हुई तो नहीं है एंड ग्लास आपका कितना ज़्यादा पुराना है। अगर ज़्यादा पुराना हो तो आपको बिल्कुल गंदा सा दिख जाएगा एंड क्लियर आपको इससे वीडियो नहीं बनेगी। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, आपको लेंस काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है सेकंड हैंड में एंड आप उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको लेंसेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अब क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको भी कोई न्यू लेंस लेना है तो आपको अब डिसीजन बना लेना चाहिए कि आपको कौन सा लेंस लेना है। मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया कि आपको कौन सा लेंस बाय करना चाहिए, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी माल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जाने से पहले यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दो यार, इतना तो कर दो यार भाई।